YouTube जो लगभग 91 देशों और 80 भाषाओं में उपलब्ध है। YouTube पे लोग अपने मनपसंद वीडियो देखते रहते हैं। प्रतिदिन लगभग 5 बिलियन YouTube वीडियो को वॉच किया जाता है दुनिया भर में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे वीडियो YouTube पे आते कहाँ से? तो हम आपको बता दें कि ये सारे वीडियो हम और आप जैसे लोग ही YouTube पे चैनल बना के अपलोड करते हैं। तो अगर आप भी अपने किसी टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने उस टैलेंट के द्वारा नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं तो आपको भी YouTube चैनल बनाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता है कि YouTube पे चैनल कैसे बनाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम YouTube पे नया चैनल बनाने और उस चैनल में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। YouTube चैनल बनाने के लिए मिनिमम आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जीमेल अकाउंट है तो उससे भी YouTube चैनल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी YouTube चैनल बनाएं तो एक नया जीमेल अकाउंट बनाकर उसी से YouTube चैनल बनाएं। तो जीमेल अकाउंट आप किसी ब्राउजर से भी बना सकते हैं और YouTube ऐप से भी बना सकते हैं। तो हम YouTube ऐप से ही बनाएंगे। इसके लिए YouTube ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में टॉप पर एक लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन में पहले से कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पे शो होगा। मेरे फ़ोन में पहले से एक जीमेल अकाउंट लॉगिन है, लेकिन मुझे इस जीमेल से चैनल नहीं बनाना है। पहले मुझे एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है, उसी से चैनल बनाना है। तो नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर जीमेल अकाउंट इंटर करने को कह रहा है, लेकिन मुझे तो एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक होता है पर्सनल जीमेल, दूसरा होता है बिजनेस जीमेल। तो हम पर्सनल जीमेल बनाएंगे, इसके लिए ऊपर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिस नाम से जीमेल अकाउंट बनाना है उसे यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नीचे जेंडर का ऑप्शन है तो मेल फीमेल जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर आप अपने मनपसंद जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो आपका जो भी नाम है या जिस नाम से आप जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पे टाइप करेंगे। एग्जांपल के लिए हम टेक केएलडी टाइप कर लेते हैं। एक बात और बता दें कि एक जीमेल अकाउंट एक ही व्यक्ति ले सकता है, सेम जीमेल अकाउंट कभी दो लोगों का नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हम आगे कोई नंबर टाइप कर लेंगे। यहाँ रिकवरी के लिए आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो हम जीमेल अकाउंट बनाए हैं उसी का हमें यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप मिनिमम 8 करेक्टर का बना सकते हैं, जिसमें आप लेटर, नंबर, सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। और इस पासवर्ड को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है ताकि आप कभी भूले नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जीमेल अकाउंट बन गया है। नीचे स्वाइप करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जीमेल का पॉलिसी लिखा आएगा, इसे पढ़ सकते हैं, फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए जो हम नया जीमेल बनाए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नया वाला जीमेल अकाउंट नहीं आता है तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल है सब यहाँ पे दिखेगा। अब हम जो नया जीमेल अकाउंट बनाए हैं उस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। अब हमें इसी जीमेल से यूट्यूब चैनल बनाना है तो फिर से इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा योर चैनल का, तो इस पर क्लिक करेंगे। योर चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने चैनल का लोगो लगा लेना है। मैं इस पिक्चर को लगा लेता हूँ। इसके बाद सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। कोशिश करें कि जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं उस नाम से YouTube पर किसी और का चैनल ना हो। आपको अपने चैनल का कोई यूनिक सा नाम रखना है। मैं एग्जांपल के लिए टेक केएलडी लिख लेता हूँ। इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अब नीचे हमें क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल जाता है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल बन जाएगा। अब यहाँ से हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करेंगे और कुछ बेसिक सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो 15 मिनट से भी बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चैनल को वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है YouTube.com, इतना लिख कर सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा YouTube क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे लोगो दिख रहा है, इस लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके उस नए वाले जीमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ। अब हमें क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कर लेना है। इसके लिए ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब क्या होगा, जिस प्रकार से लैपटॉप पर कार होता है वो कार हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप का सारा कार हम मोबाइल पे कर पाएंगे। तो दोबारा से इस लोगो पे क्लिक करना है और 2 नंबर पे यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। कुछ लोगों का यूट्यूब स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पर ओपन नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट वाईटी स्टूडियो ऐप ओपन हो जाता है अगर आपने वाईटी स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको ओपन करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन पे थोड़ी देर टैप करके रखना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, तो हमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 टैब ओपन हो गया है, तो इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करना है, तो वाईटी स्टूडियो ऐप ओपन हो जाएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ही वो सारी बेसिक सेटिंग करना है, इसके लिए नीचे सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ चैनल पे क्लिक करना है, चैनल पे क्लिक करने के बाद अब हमें कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया से हो और यहाँ पे कोई अदर कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सारी वीडियो यूट्यूब उसी कंट्री को भेजेगा जिसे आप सेलेक्ट करके रखेंगे, तो फिर आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, इसलिए आपको अपनी कंट्री को ही सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सेकंड हमें यहाँ पे कीवर्ड्स लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल कोई सर्च करे तो टॉप पर आपका ही चैनल दिखे, तो इसके लिए आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं ये जो चैनल बनाया हूँ ये टेक केएलडी के नाम से बनाया हूँ, तो हम यहाँ टेक केएलडी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे टेक केएलडी, KLD टेक, KLD, मतलब आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिख देना है, ताकि ये सारे कीवर्ड डालकर कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल ही सबसे ऊपर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है एडवांस सेटिंग, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाएंगे तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जिसे आप सेलेक्ट करेंगे यूट्यूब आपका वीडियो उन्हीं के पास भेजेगा। ये सेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट सेटिंग है फीचर एलिजिबिलिटी की, तो हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सभी का इनेबल होता है, लेकिन हमें सेकंड वाला ऑप्शन इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद ही आप अपने चैनल पे 15 मिनट से बड़ा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। सेकंड, आप अपने यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल मतलब पोस्टर लगा पाएंगे और लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। तो ये फीचर पाने के लिए हमें अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली वेरीफाई फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके गेट कोड पर क्लिक करना है। गेट कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो YouTube उसी मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजेगा, उसी कोड को यहाँ पे फिल करना है। मेरे मोबाइल पे वो कोड आ गया है, मैं उस कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक बार बैक करना है और सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे चैनल की बेसिक सेटिंग कम्प्लीट हो गया है। अब हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को हम वाईटी स्टूडियो से भी अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। वीडियो कैसे अपलोड करते हैं इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। अपने चैनल को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर से वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर, व्यूज़, वॉच टाइम और कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।